अंचल के किसान इन दिनों घोड़ा रोज के आतंक से अच्छे खासे परेशान हैं। इतना ही नहीं, राहगीर भी इनके आतंक से अछूता नहीं रहा। आए दिन हो रहे सड़क हादसे में सबसे अधिक घटनाओं में घोड़ा रोज के सामने आने की बात आती है। ऐसे में उन पीड़ितों की FIR तक दर्ज नहीं हो पाती। इस घोड़ा रोज के आतंक से निजात पाने के लिए सरकार का आदेश पारित कर पंचायत स्तर पर रेंजर अधिकारी की नियुक्ति करना चाहिए, जो नियुक्त अधिकारी क्षेत्र के घोड़ा रोज की संख्या का आकलन कर सके। यह बात मांग के रूप में युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष कमल आर्य ने घोड़ा रोज से हो रही समस्या से निदान के लिए सौंपे गए ज्ञापन के दौरान कही। रैली के रूप में कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं अंचल के किसानवासी विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार नवीन छलोत्रे को सौंपा। मुक्ति दो, घोड़ा रोज के आतंक से मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, जागो जागो सरकार, नींद से जागो, जागो जागो सरकार, नींद से जागो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, घोड़ा रोज के आतंक से मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, जागो जागो सरकार, नींद से जागो, जागो जागो सरकार, नींद से जागो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, घोड़ा रोज के आतंक से मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, घोड़ा रोज के आतंक से मुक्ति दो, मुक्ति दो, घोड़ा रोज के आतंक से मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मोटे किसान, मोटे किसान। श्रीमान अनिल बागी अधिकारी महोदय, तहसील कार्यालय नागदा जिला उज्जैन, इसे घोड़ा रोज नीलगाय से हो रही समस्या के निदान हेतु महोदय निवेदन है कि नागदा खाचू विधानसभा के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में घोड़ा रोज का आतंक सा फैला हुआ है। ऐसा कोई गांव वंचित नहीं हुआगा जहां घोड़ा रोज का आतंक ना हो। प्रत्येक गांव में घोड़ा रोज आए दिन किसानों की हजारों बीघा में खड़ी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरह माँ अपने बच्चों को पालन पोषण कर बड़ा करती है, ठीक उसी तरह किसान भी अपनी फसल का पालन पोषण करता है और अपनी कड़ी मेहनत से उसे खेत में लगाता है और उस पर ध्यान रात दिन एक करके रखता है और वहाँ फसल जब खेतों में लहराने लग जाती है, ऐसे में घोड़ा रोज का झुंड आता है और चंद मिनटों में खड़ी फसल बर्बाद कर देता है। यह सिर्फ किसानों की ही समस्या नहीं है बल्कि वर्तमान में राहगीरों के लिए सबसे खतरनाक घोड़ा रोज है, क्योंकि रोड पर चलने वालों के सामने अचानक ये बाढ़ रूपी जानवर आ जाता है, जिसके कारण टकराने से जानवर को तो कुछ नहीं होता लेकिन इंसानों के अंग भंग होने के साथ ही गाड़ी चकनाचूर हो जाती है। हम आपसे मांग करते हैं कि वन विभाग का एक अधिकारी क्षेत्र में नियुक्त करें और हर पंचायत में वार अनुसार उनकी ड्यूटी तैनात करके साथ ही आकलन के करें कि किस पंचायत में घोड़ा रोज की कितनी संख्या है और उन्हें पकड़ने का काम युद्ध स्तर पर चलाया जाए, ताकि क्षेत्र का हर वर्ग का किसान घोड़ा रोज की समस्या से निजात पा सके। यदि हमारी मांग समय हो रहते नहीं हुई तो हमारी मांग मांगी गई तो हम उस उग्र आंदोलन के लिए अग्रसर रहेंगे। जय जवान, जय किसान। कांग्रेस के द्वारा नागदा खाचू तहसील में जो घोड़ा रोज की समस्या है उसके संबंध में श्रीमान अनुभागीय अधिकारी महोदय के नाम पर जो ज्ञापन दिया गया है वो मैंने प्राप्त किया है और अनुभागीय अधिकारी महोदय जैसे ही ट्रेन बैठक के पश्चात वापस आएंगे वही ज्ञापन से अवगत कर दिया जाए। नागदा खाचू विधानसभा के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को आप देख रहे हो कि घोड़ा रोज एक आतंक की तरह हो रहा है। ऐसा कोई गांव वंचित नहीं है नागदा खाचरो विधानसभा में जहाँ घोड़ा रोज का आतंक ना हो। इसी को आज मद्देनजर समस्त किसान भाइयों ने मिलकर, मेरे युवा साथियों ने मिलकर माननीय SDM साहब को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने मांग करी है कि हर विधानसभा में एक वन अधिकारी नियुक्त किया जाए और वो हर पंचायत में जाए वार अनुसार और वहाँ आकलन करे कि किस पंचायत में कितने घोड़ा रोज यहाँ पे हैं
और उनका आकलन करके सरकार को रिपोर्ट भेजे ताकि सरकार युद्ध स्तर पर इसको पकड़ने का काम करे। मैंने अभी भी यही बोला और आपको फिर बोल रहा हूँ कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को पालती और बड़ा करती है, ठीक उसी तरह हमारे किसान भाई अपनी फसल को बोता है, रात दिन एक करके उसका ध्यान रखता है, और जैसे ही फसल बड़ी होती है घोड़ारों का झुंड आके चंद मिनटों में पूरी फसल तबाह कर देता है। और किसान की तो देखो कि किसान उनको मार भी नहीं सकता, ये किसान का दिल है। आज इसी को गुस्से किसान सब इकट्ठे हुए और यहाँ पे आंदोलन की मांग करी, और आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय किसान जय जवान जय किसान जय जवान।